कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से माकड़ी से होते हुए फरसगांव की ओर आ रही एक सफेद रंग की पिकअप को रोककर उसकी जांच कर अवैध मादक पदार्थ गांजा को जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मुखबिर द्वारा पिकअप वाहन से गांजा तस्करी की सूचना मिलते ही फरसगांव TI अपने टीम के साथ रांधना रोड में बरकई पुलिया के समीप नाकेबंदी की और पिकअप को रोककर तलाशी ली। पिकअप वाहन के पीछे डाला में तालपत्री से ढका हुआ 3 प्लास्टिक बोरी में 20 पैकेट गांजा प्राप्त हुआ। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नवजीत, पिता कुमोद सरकार, निवासी सिलाटी पोस्ट बनोरा थाना उमरकोट जिला नवरंगपुर उड़ीसा का होना बताया। फरसगांव SDOP अनिल विश्वकर्मा ने बताया कि पिकअप वाहन से 1 क्विंटल 21 किलो 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही पिकअप को भी जब्त किया गया है, वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, थाना फरसगांव द्वारा आज एक कार्रवाई की गई है नारकोटिक्स पर, जिसमें मुखबिर सूचना मिलने पर थाना फरसगांव क्षेत्र के बरकई पुल के पास सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है वाहन में गांजा या नारकोटिक पदार्थ लेके आ रहा है। तो उस पर से एक व्यक्ति जिसका नाम नवजीत सरकार है, उमरकोट उड़ीसा से, और जिसके पास जो पिकअप है उस पिकअप में लगभग 121 किलो 650 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। साथ ही पिकअप भी जब्त किया गया है, जिसमें लगभग गांजा की कीमत 12 लाख और पिकअप की कीमत लगभग 6 लाख है। मोबाइल भी जब्त किया गया है। उक्त के विरुद्ध में 20B NDPS एक्ट के तहत FIR पंजीबद्ध किया जाकर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त होता रहता है कि MCP के द्वारा या मुखबिर सूचना पर से क्षेत्र में नारकोटिक्स हो या किसी प्रकार के अवैध परिवहन पर रोक लगाई जानी है, जिस पर पुलिस हमारी कार्यरत है। हाँ, चूँकि ये हमारा जो क्षेत्र है वो उड़ीसा से लगा हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र के होने के कारण यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी मिल रही हैं, जो कि चूँकि परिवहन दूसरे राज्यों में भी किया जाता है।